नमस्कार किसान भाइयों, मैं एसपी यादव। आज का वीडियो मेरा उन किसान भाइयों को समर्पित है जो बागायत की खेती में इंटरेस्ट रखते हैं। और कहीं कहीं आज हम कच्छ जिला के भूज तालुका में हैं और गांव का नाम है कोटा चका, जहां पे आप अमरूद की ये बाड़ी देख रहे हैं। और हम आपको मिलवाते हैं उन किसान भाई से जिन्होंने ये बागायत की खेती किया हुआ है। और हम आप सभी लोगों का ओएसिस परिवार की तरफ से स्वागत भी करते हैं। और ओएसिस लिमिटेड के गुजरात राज्य के स्टेट इंचार्ज मिस्टर विनोद कुमार गंगवार जी से आपकी मुलाकात हम सीधे किसान भाई से करवाते हैं। तो आइए आपको लाइव मिलाते हैं। सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। हमारे किसान भाई आपसे और इस बाड़ी के जो इतना अच्छा बनाया है विजय भाई, आप लोगों से थोड़ा सा बातचीत करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि कैसे इसको किया है, तो थोड़ा सा आप लोगों को साथ में परिचय दे दीजिए अपना। मैं विनोद कुमार गंगवार, रीजनल सेल्स मैनेजर, गुजरात राज्य, ओसिस लिमिटेड, अहमदाबाद। मेरे साथ खड़े हुए हैं मिस्टर विजय भाई, जो कि खेडूत हैं। इनकी अपनी ये अमरूद की बाड़ी है, जामफल जी सर, गुआवा। और इनसे मैं दो तीन सवाल जानना चाहता हूँ कि विजय भाई, ये वैरायटी का कौन सा नाम है जामफल की? ये वैरायटी का नाम, जात का नाम है पिंक ताइवान, वन के जी। पिंक ताइवान वन के जी। वन के जी का मतलब एक किलो का फल आएगा? हाँ, एक किलो का फल आता है उसमें। ये जो प्लांट है, कितने दिन का आपने इनका रोप कितने दिन पहले किया था? ये करीबन 7 से 8 महीना हुआ है इसको। इस जाड़ को 7 से 8 महीने हो गया? 7 से 8 महीना हुआ है इसको, प्लांट को। तो अभी इसमें इस वैरायटी की एक तो विशेषता ये है विजय भाई की, एक किलो का एक फल आएगा। हाँ, बनेगा जब पकेगा तो। हाँ, हाँ, और स्वाद में मीठी है। हाँ, एकदम मीठा है। और इसका प्लस पॉइंट वो रहता है कि जो दाना निकलता है अंदर से, दाना कम आता है और गूदा ज्यादा रहता है। ज्यादा रहता है जो पल्प है अंदर, गूदा है वो ज्यादा रहेगा और एकदम मीठी रहेगी। हाँ, तो इसकी ये जो आपने बाड़ी तैयार की है 7 से 8 महीने में, इसमें आपने ओसिस लिमिटेड का कोई भी खातर, कोई जंतुनाशक, फूगनाशक कुछ इस तरह से यूज किया है? हाँ, मैंने पहला ये थीप्स के लिए बहुत बायोसिस का स्प्रे किया था, बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। थीप्स चूसिया वाइट फ्लाई के लिए और सिस्टोरा का स्प्रे भी किया था गडर के लिए जी। हाँ, और नीचे खाद में मैंने ये ओसिस फर्टिलाइजर का मैग्नीशियम यूज किया है, मेजीटोन। हाँ, मेजीटोन यूज किया है। हाँ, बस। और अभी थोड़े टाइम में मैंने वो खाद दबाते हैं, सीस गोल्ड का भी उपयोग करने वाला हूँ मैं अभी। आप इसमें, मेरी एक सलाह है आपको, आप ड्रिप में भी, हमारा सिस गोल्ड ड्रिप में भी चलता है। हाँ, उसको आप 24 घंटे पहले पानी में भीना कर दें। हाँ, उसके बाद आप उसको ड्रिप में दें तो सिस गोल्ड भी हमारा ड्रिप में बहुत अच्छी तरह से काम करता है और कोई ड्रिप चोक नहीं होती। हाँ, हमारे राजस्थान में बहुत बड़ा अमाउंट में सिस गोल्ड ड्रिप में जाता है। हाँ, तो कोई बात नहीं, मैं अभी सिस गोल्ड का उपयोग करेंगे। और दूसरा, ये फसल का मार्केट में जाती है तो करीबन 60 से 70 के करीबन रेट रहते हैं, मार्केट रहते में जाता है। तो मतलब किसान भाइयों के लिए ये फसल का जो भाव है वो अच्छा मिलता। हाँ, है बहुत अच्छा बहुत मिलता अच्छा, है। और उत्पादन अच्छा, भी ज्यादा है और इसलिए किसान भाई, और खर्च भी कम है, कम खर्चे से ज्यादा लाभ उठा सकते हैं। इसका पर प्लांट लगाने का खर्चा क्या था विजय भाई? करीबन 40 से 50 रुपए के करीबन एक पौधा पड़ता है, 40 से 50 के करीबन। अच्छा, आपने कुल कितने एकड़ में लगाया हुआ है जो बाड़ी हम देख पा रहे हैं? 2-2.5 एकड़ में लगवाया है, बरोबर 4,000 से करीबन हो गए पौधे। ओके। और इसके विजय भाई, एक चीज़ और किसानों भाइयों के मन में एक क्वेश्चन होते हैं। हाँ, कि ये जो हम लगाते हैं उससे कितने दिन बाद इसे हम फल ले सकते हैं? हाँ, आप समझ लो ना, करीबन एक साल में आपका फल आ जाएगा, रेडी हो जाएगा। वैसे आप देख सकते हो ये फसल, ये हो गया, देख सकते हो आप, ये हो गया, ये देख लीजिए। और ये 8 महीने का है, ये प्लांट 8 महीने का है, ये रेडी हो गया है, ये इतना बड़ा है। हाँ, इतना बड़ा, 1 किलो तक हो गया। हाँ, 1 किलो तक होएगा। बहुत बढ़िया। और अभी दोस्तों आप देख सकते हैं इस तरह से ये फूल आना भी चालू हो गया है और ये अभी तक 8 महीने में है, जबकि इससे हम विजय भाई कहना कि 1 साल के अंदर इसके आने चालू हो जाते हैं फ्रूट। और अभी हम आपको दिखा पा रहे हैं, जैसा ये देखिए, यहाँ पे 8 महीने में इस तरह से फ्रूटिंग शुरू हो गई है और बहुत बढ़िया। इसमें अभी दूसरी झाड़ियों में भी आपको मैं दिखाता हूँ, उसमें भी फूल बहुत तेज़ी से चालू है।
ये आप देखिए इसमें बिल्कुल चालू हो गए हैं और ये 6 महीने। तो किसान भाइयों आप लोग निश्चित रूप से इस वैरायटी को आप लोग यूज कीजिए, बहुत मज़ा आएगी आपको। और ये देखिए यहाँ पे चालू है, अभी 8 महीने में विजय भाई ने इसको इस तरीके से तैयार किया है। और ओसिस लिमिटेड कंपनी की जंतुनाशक, खातर, वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, इन सबसाइड सभी का इन्होंने यूज किया है। ये इनका एक प्लस पॉइंट है और ये बहुत खुश हैं और मैं संतुष्ट हूँ। ओसिस फर्टिलाइजर का मैंने फुगनाशक भी यूज़ किया, उसका थीप्स का बायोसिस का बहुत अच्छा रिजल्ट है। दूसरा सब वो वाटर सोल्यूबल आता है 19-19 वो भी यूज़ किया है। सब में मैं संतुष्ट हूँ कि मेरे को बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। ओके ओके, थैंक यू विजय भाई इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए उन किसान भाइयों को जो बागायत की खेती में इंटरेस्ट रखते हैं। तो किसान भाइयों फाइनली आप अगर बागायत में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप इस तरह की फसलों का चयन कर सकते हैं और इसको लगाइए। पिंक ताइवान 1 kg वैरायटी का नाम है, जो बहुत ही अच्छी है और 1 साल के अंदर आपको फल देने वाली वैरायटी है। तो नेक्स्ट वीडियो हम आपसे मिलते हैं और आप इस तरह की रोचक जानकारियों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने अन्य किसान भाइयों को भी शेयर कीजिए ताकि वो लोग इस तरह की वीडियो को देखें और अपने आप को कहीं ना कहीं बागायत की फसलों में अगर इंटरेस्ट है तो खुद को डेवलप कर सकें। तो फाइनली दोस्तों अपने वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और फिर हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।